Hello dear student, our next topic is Lambert's law. This law states that when a beam of monochromatic radiation is allowed to pass through a transparent medium, kaisi beam, monochromatic radiation ki beam, किसके थ्रू पास हो रही है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू. मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस आर सच रेडिएशन विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल फ्रीक्वेंसी. ओके, तो अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब वो पास होगी तो आप क्या पाएंगे? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा. लेट आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है. एक्स आपका थिकनेस ऑफ द मीडियम है या पाथ लेंथ है. माइनस डी आई बाई डी एक्स रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम. देन अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोला? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, क्या बोला लैम्बर्ट्स ने? व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट radiation. Clear? Now by solving this question, kya bana hamara? K is the proportionality constant. Ye ho jayega, yahan pe aapka kya ho jayega? Minus di by I yahan aa jayega, ho jayega k dx. Usi ko ab hum integration karenge. Integration karne ke baad hum kya payenge ki I is equal to I zero e minus kx. ये क्वेश्चन क्या बता रही है कि आई ज़ीरो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. ठीक है, लॉगरिथम में बेस 10 होता है. टर्म्स में लिया लैम्बर्ट्स इक्वेशन बन जाएगी 2.303 लॉग आई बाय आई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के एक्स. दिस इम्प्लाइज डेट लॉग आई बाय आई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.30 एक्स. इसको हम लिख सकते हैं माइनस के डैश एक्स. देयरफॉर माइनस लॉग आई बाय आई ज़ीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, दैट इज द थिकनेस. तो लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासिंग थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ. देखिए इसको हम ऐसा समझते हैं, दिस इज द इंटेंसिटी एंड दिस इज द पाथ लेंथ. तो क्या हो रहा है? डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम आई ज़ीरो टू आई विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम. स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक क्यूबिट होता है जिसमें हम सैंपल रखते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि हमारी किस तरह से कितनी इंटेंसिटी है और हमारी पाथ की लेंथ क्या है. क्लियर? जैसे कि अभी हमने देखा कि लैम्बर्ट्स ने क्या बताया कि पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन अगर पास हो रही है किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन तो जो एब्जॉर्बेंस है इज प्रपोर्शनल टू दी पाथ लेंथ. दैट इज फॉर पाथ लेंथ हम मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो एब्जॉर्बेंस एक्स एंड वाई है, तो पाथ लेंथ भी क्या होगी? एक्स और वाई होगी. तो जो इक्वेशन हमारी फाइव अभी थी आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू टेन माइनस के डैश एक्स हो जाएगा. ठीक है, वेयर के डैश इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट है. क्लियर? Now, hence the absorption coefficient may be defined as the reciprocal of the thickness which is required to reduce the intensity of light to 1 by 10 of its intensity. I by I0 transmittance है और log I by I0 absorbance of the medium है. ये तो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताया गया, आपको सिर्फ याद रखना है कि लैम्बर्ट्स ने क्या बोला था. लैम्बर्ट्स ने बोला था कि कोई जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. क्लियर?